हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष त्रिपाठी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पीयूष टी ऑनलाइन पर। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं बना रहा हूं रिगार्डिंग मैट्रिक्स और नेटवर्क मार्केटिंग, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि मैट्रिक्स कैसे काम करता है, मैट्रिक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और सेम नेटवर्क मार्केटिंग के लिए भी मुझसे लोगों ने पूछा है, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि मैट्रिक्स वर्क कैसे करता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग वर्क कैसे करता है, और उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। फ्रेंड्स, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूज हैं अभी भी कि मैट्रिक्स और नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना सही है या वो अर्निंग कर पाएंगे या नहीं। तो फ्रेंड्स, प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ये सब जानने के लिए। और फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपको कुछ भी चीज समझ नहीं आ रही तो प्लीज कमेंट करें वीडियो के नीचे, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊं। फ्रेंड्स, और मैं ये भी कहना चाहूंगा फ्रेंड्स कि शायद कुछ लोगों को हिंदी समझ ना आ रही हो या कुछ लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, तो वो भी प्लीज नीचे कमेंट करें अगर वो कोई वीडियो इंग्लिश में देखना चाहते हैं। आई विल डेफिनेटली मेक वीडियोज इन इंग्लिश, तो कोई भी वीडियो वो इंग्लिश में देखना चाहते हैं प्लीज नीचे कमेंट करें फ्रेंड्स। और अगर आप ये भी सीखना चाहते हैं कि फेसबुक से ज़्यादा रेफरल या ट्विटर से ज़्यादा रेफरल्स कैसे बनाए जाएं फ्रेंड्स, उसके लिए भी प्लीज़ नीचे कमेंट करें ताकि मैं उसमें वीडियो बना पाऊँ फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए एंड तक, चलिए देखते हैं। मैं अपनी स्क्रीन पे आ गया हूँ, आप सभी देख सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है फ्रेंड्स, बिकॉज आप लोगों की वजह से मैं 50 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो गए हैं, मोर देन 50 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आप लोगों की वजह से ही मेरा चैनल है और इसीलिए मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, आपकी हेल्प करता रहूँगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज़ अर्निंग और लर्निंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उन लोगों को फिर से एक बार थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, बिकॉज़ मोर देन 50 सब्सक्राइबर हो गए हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और चलिए चलते हैं। मैंने जैसे कि बताया था कि आज मैं आपको बताऊंगा मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स होता क्या है और मैट्रिक्स वर्क कैसे करता है और उसमें इन्वेस्ट करना सही है या नहीं। सबसे पहले मैं फ्रेंड्स आपको मैट्रिक्स के बारे में बता देता हूँ, मैट्रिक्स होता क्या है, बिकॉज़ बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैट्रिक्स होता क्या है, काम कैसे करता है। तो फ्रेंड्स, मैट्रिक्स एक तरीके से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ सिंपल लैंग्वेज में, तो नेटवर्किंग है, या आप कह सकते हैं लोगों को ऐड करना है इसमें ताकि आपको कमीशंस मिलता रहे, या जिसे कहते हैं मोस्टली जो फ्रेंड्स मैट्रिक्स होता है उसमें हम लोग डोनेशन करते हैं एक दूसरे को, जो भी अपना अपलाइन होता है उसको हम डोनेशन करते हैं, उस तरीके से मैट्रिक्स वर्क करता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये फिगर फ्रेंड्स, जैसे ही ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है फ्रेंड्स, सपोज एक मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ दो लोगों को ऐड करना है फ्रेंड्स। तो सपोज ये वन पर्सन है, इन्होंने टू लोगों को ऐड किया, आप देख सकते हैं दो लोग हुए, उन दो लोगों ने फिर से दो लोगों को ऐड किया तो उनके नीचे फोर लोग हुए, और उसके बाद उन्होंने फिर से एडिशन किया, तो इस तरीके से ये चेन सी बनती जाएगी फ्रेंड्स। और जो लोग भी ऐड होते जाएंगे फ्रेंड्स, अगर वो डोनेशन का मैट्रिक्स है तो वो अपने अपलाइन को कुछ कुछ डोनेशन करते रहेंगे, या जो भी ज्वाइन करते जाएंगे उनका कमीशन उनके अपलाइन को मिलता जाएगा फ्रेंड्स। इस तरीके से मैट्रिक्स वर्क करता है फ्रेंड्स। बट मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, जो लोग भी मैट्रिक्स के बारे में पूछ रहे हैं, बिकॉज़ अगर आप लोगों के पास टीम है, 5,000 या 10,000 लोग हैं, 5-10 हज़ार लोग हैं जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो लोग मैट्रिक्स कर सकते हैं और उन्हीं के लिए ये मैट्रिक्स यूज़फुल है फ्रेंड्स। बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग हैं, 100 लोग हैं, 1,000 लोग भी मैं मान लेता हूँ फ्रेंड्स हैं। बट अगर आप देखेंगे इसमें, जैसा कि मैंने दिखाया है इस चार्ट में फ्रेंड्स, नीचे लोग ऐड होते जा रहे हैं और
इसमें कोई ना कोई ऐसा होगा जो नीचे शायद दो लोग भी ऐड ना कर पाए फ्रेंड्स, या एक भी ऐड ना कर पाए, उस केस में मैट्रिक्स आपका फेल हो जाएगा और वो बंदा या वो पर्सन कोई भी अर्निंग नहीं कर पाएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए मैं आप लोगों को यही सलाह देना चाहूँगा रिगार्डिंग मैट्रिक्स, अगर बहुत बड़ा नेटवर्क है तो ही मैट्रिक्स ज्वाइन करें, अदरवाइज मैट्रिक्स में ज्वाइन ना करें फ्रेंड्स, बिकॉज मैट्रिक्स बहुत ही रिस्की है। आप तो अर्न कर लेंगे, अगर आप अप्लाई ने आपके अंडर में सपोज 500 लोग हैं तो नीचे लोग आप ऐड करते जाएंगे, आप अर्निंग कर लेंगे फ्रेंड्स, बट नीचे जो लोग ऐड होते जा रहे हैं वो शायद कुछ भी अर्न ना कर पाए, उनका टाइम भी वेस्ट होगा और मनी भी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मैट्रिक्स को ज्वाइन ना करें। ठीक है फ्रेंड्स, और भी मैं बहुत सारे मैट्रिक्स के बारे में भी बताऊंगा जो अभी चल रहे हैं, उनका कुछ रिव्यू देना चाहूंगा। यहाँ पर मैं किसी मैट्रिक्स को प्रमोट नहीं कर रहा, जस्ट रिव्यू दे रहा हूँ ताकि लोगों को मैट्रिक्स के बारे में पता चल सके और वो सोच समझ के उसमें ज्वाइन करें, बिकॉज बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है, अर्निंग कैसे होती है उसमें और ज्वाइन करें या नहीं। ठीक है फ्रेंड, तो मैं आपको वेबसाइट्स भी दिखा देता हूँ जो आजकल बहुत सारे मैट्रिक्स चल रहे हैं फ्रेंड्स। ये है फर्स्ट वेबसाइट futuremetrics.biz, बिकॉज आजकल किसी से भी पूछो मैट्रिक्स के बारे में या किसी से भी बात करो वो बस फ्यूचर मैट्रिक्स के बारे में बता रहा है, उसको ज्वाइन करने के लिए कह रहा है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है, लोग नहीं हैं, तो प्लीज़ मैट्रिक्स को ज्वाइन ना करें फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, बिकॉज मैंने भी मैट्रिक्स करे हैं, मुझे मैट्रिक्स का एक्सपीरियंस है, तो उसमें जो हमारे डाउनलाइंस हैं या नीचे लोग ज्वाइन होते रहते हैं उनकी अर्निंग नहीं होती है फ्रेंड्स। इस वजह से मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ मैट्रिक्स को ज्वाइन ना करें। आप जैसे कि देख सकते हैं चार्ट में भी जो फर्स्ट लेवल दिखा रखा है फ्रेंड्स, उसमें तीन लोगों को इसमें ऐड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और वो भी 0.1 BTC बिटकॉइन से, बिकॉज ये बिटकॉइन का मैट्रिक्स है फ्रेंड्स, और जब आप तीन लोगों को ऐड करते हैं तो आपका ऑटो अपग्रेड हो जाता है, लेवल 2 पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। आपने तीन लोगों को ऐड कर दिया फ्रेंड्स, उसके बाद वो तीन लोग फिर से तीन लोगों को ऐड करेंगे फ्रेंड्स, इस तरीके से ये मैट्रिक्स चलता जाएगा, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, 5 और 6। और मैं अगर इस मैट्रिक्स की बात करूं फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग कहते हैं या इस वेबसाइट में भी बताया है कि ये ऑटो अपग्रेड है फ्रेंड्स, भी इसका प्रमोशन कर रहे हैं, चाहे लीडर्स हैं आप उनसे पूछेंगे कि अगर इसमें ऑटोमेटिक अपग्रेड हो रहा है फ्रेंड्स और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऑटोमेटिकली अन हो जाएगा, तो हम प्रमोट क्यों कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आप खुद ही सोच सकते हैं, प्रमोट इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें कमीशन आए और उसी बेस पे ये मैट्रिक्स रन करेगा, बट ये पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स कि ऑटो अपग्रेड हो जाए, बिकॉज अगर हम प्रमोशन नहीं करेंगे तो हमारे नेटवर्क में लोग नहीं आएंगे, नीचे कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा और ये मैट्रिक्स फेल हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसीलिए मेरा यही रिव्यू है फ्रेंड्स कि मैट्रिक्स प्लीज सोच समझ के ज्वाइन करें, बिकॉज बहुत सारे लोग मुझे भी कहते हैं कि मैट्रिक्स ज्वाइन कर लो, मैट्रिक्स में अच्छी अर्निंग है फ्रेंड्स, बट मैं ज्वाइन कर सकता हूँ कोई सा भी मैट्रिक्स और मैं चाहूँ तो उसमें अर्निंग कर भी लूँगा फ्रेंड्स, बट स्टिल मैं सोचता हूँ उन लोगों के लिए जो मेरे साथ काम करते हैं, अगर मेरे साथ जो लोग ज्वाइन हुए किसी भी मैट्रिक्स में, मुझे जो लगता है ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके पास नेटवर्क नहीं होगा तो वो अर्निंग नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स, और एक लेवल के बाद मैट्रिक्स फेल हो जाएगा और आप अर्न नहीं कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसी वजह से मैं मैट्रिक्स में वर्क नहीं करता फ्रेंड्स, मैट्रिक्स में अर्न करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है फ्रेंड्स, इसी वजह से मैं ज़्यादातर रेवेन्यू शेयर या ऐसी वेबसाइट लेके आता हूँ जिसमें बिना कमीशन या बिना डाउनलाइंस के, बिना नेटवर्क के भी आप अर्न कर पाएँ फ्रेंड्स और अच्छी अर्निंग कर पाएँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने भी काफ़ी मैट्रिक्स में वर्क करा है, अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने ज़ार फंड में भी वर्क किया था, आप देख सकते हैं ज़ार फंड की वेबसाइट, अगेन ये बिटकॉइन की वेबसाइट है, जैसे कि आप देख सकते हैं लेवल 1 पे फ्रेंड्स आप जब दो लोगों को ऐड करते हैं 0.03 BTC से, वो 0.03 BTC अपने अपलाइन को फ्रेंड्स डोनेट करते हैं, इस तरीके से ये डोनेशन होती है, और जो फिर अपलाइन होता है वो अपने अपलाइन को
डोनेट करता है। इस तरीके से ही हम अपग्रेड कर देते हैं ज़ार फंड में और अर्निंग होती थी फ्रेंड्स। बट मैंने जब इसमें वर्क किया, मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे डाउनलाइंस हैं जिनको कोई अर्निंग नहीं हो रही है फ्रेंड्स। इस वजह से मैंने मैट्रिक्स में वर्क करना बंद कर दिया है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं फर्स्ट टू डोनेशन, फिर उसके बाद सेकंड डोनेशन, इस तरीके से डोनेशन चलती रहेंगी और अर्निंग होती रहेंगी। बट फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें जिनके पास नेटवर्क नहीं होगा या दो लोग भी नहीं होंगे, वो लोग इसमें अर्निंग नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। इस वजह से ही मैं मैट्रिक्स को प्रमोट नहीं करता और मुझे भी यही लगता है कि मैट्रिक्स में वर्क करना सही नहीं है फ्रेंड। और वेबसाइट है मैट्रिक्सी कैश पूल प्रो, बहुत से लोगों ने उस पे सुना भी होगा। अपार्ट फ्रॉम फ्यूचर मैट्रिक्स, इसमें भी फ्रेंड सेम कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इनका प्लान दिखाऊं आपको, अगेन 3 रेफरल चाहिए होंगे, 0.03 की डोनेशंस, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद जो लोग नीचे आएंगे वो अगेन 0.03 की डोनेशन अपने अपलाइन को देंगे। हर मैट्रिक्स में एक टाइम फ्रेम होता है कि आपको 1 मंथ में 2 लोगों को ऐड करना है, अदरवाइज अगर आप ऐड नहीं कर पाए तो आपकी आईडी स्टॉप हो जाएगी, अर्निंग स्टॉप हो जाएगी फ्रेंड्स। आपको कमीशन नहीं मिलेगा और आपकी जो पोजीशन है वो नीचे चली जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। बिकॉज पोजीशन भी इसमें डाउनग्रेड होती है, हर मैट्रिक्स का एक टाइम फ्रेम है। तो सपोज आपने फर्स्ट मंथ 2 लोगों को ऐड कर दिया, बट नेक्स्ट मंथ 2 लोगों को ऐड नहीं कर पाए अपने डाउनलाइंस के नीचे, तो भी आपकी पोजीशन नीचे हो जाती है। बिकॉज इसमें डोनेशन करना होता है अपने अपलाइन को फ्रेंड्स। इस तरीके से मैट्रिक्स वर्क करता है। तो मैं सभी को यही कहूँगा फ्रेंड्स, अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है प्लीज़ मैट्रिक्स ज्वाइन ना करें। रेवेन्यू शेयर या क्रिप्टो ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करें या बिटकॉइंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको आपके पास बिटकॉइंस हैं और उससे अर्निंग कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपको कोई लॉस नहीं होगा। बट मैट्रिक्स में फ्रेंड्स आपको लॉस हो सकता है, आपका टाइम भी लॉस होगा। और मैं ये चीज़ें इसीलिए बता रहा हूँ बिकॉज़ मैं नहीं चाहता कि लोगों का टाइम और साथ साथ मनी का भी लॉस हो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स। इसी वजह से मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग भी सीख रहा हूँ, ताकि वो आप लोगों को फ्री में मैं बता पाऊँ कैसे करना है, कौन कौन से कॉइन्स अच्छे हैं या आप खरीद सकते हैं, और मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ ताकि लोग फ्री में अर्न कर पाएँ और वो कोई भी मनी लूज़ ना कर पाएँ फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी वजह से मैं आज मैट्रिक्स के ऊपर ये वीडियो बनाई है, बिकॉज़ मैं नहीं चाहता था कि लोगों का कोई भी लॉस हो फ्रेंड्स। नेटवर्क मार्केटिंग की भी बात करना चाहता हूँ, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग भी मैट्रिक्स की तरह ही कुछ वर्क करती है। बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग में भी लोगों को ऐड करना पड़ता है एक तरीके से चेन, और उसमें भी कमीशन से अर्निंग होती है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज़ की बात करूँ तो बहुत बड़ी कंपनी है क्यूनेट फ्रेंड्स, जो कि इंडिया में और वर्ल्ड वाइड वर्क कर रही है ऑलरेडी मोर देन 10 ईयर्स से फ्रेंड्स। काफ़ी अच्छी कंपनी है फ्रेंड्स और काफ़ी लोग अच्छी अर्निंग कर रहे हैं इससे। बट मैं यहाँ पर किसी भी वेबसाइट या कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स। और क्यूनेट में मैं बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ और काफ़ी चीज़ें मैंने डीप स्टडी करी है फ्रेंड्स, इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ नेटवर्क मार्केटिंग को भी सोच समझ के ज्वाइन करें। बिकॉज़ आपके पास नेटवर्क नहीं है तो प्लीज़ ज्वाइन ना करें फ्रेंड्स। और क्यूनेट के बारे में स्पेशली मैं बताना चाहता हूँ बिकॉज़ यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी बड़ी है, अराउंड 50,000, 1 लाख, 1,50,000 या 2 लाख रुपीज़ से लोग ज्वाइन होते हैं फ्रेंड्स। और मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करने के बाद वो रिग्रेट करते हैं, पछताते हैं कि मैंने ज्वाइन कर लिया, क्यों कर लिया, बिकॉज उनको अर्निंग नहीं होती, वो इवन 2 लोग भी नहीं ढूंढ पाते फ्रेंड्स। बिकॉज शायद आपके पास नेटवर्क होगा, 500 लोगों का ही चाहे नेटवर्क हो, आप तो अर्निंग कर लेंगे, बस शायद आपके डाउनलाइंस और बहुत से लोग जो बाद में ज्वाइन करेंगे वो अर्निंग ना कर पाएँ फ्रेंड्स। इसलिए प्लीज़ ये सभी वेबसाइट जो मैंने बताई है इनको सोच समझ के ज्वाइन करें, और अगर नेटवर्क नहीं है तो कोई भी वेबसाइट ज्वाइन ना करें फ्रेंड्स। अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज़ यहाँ अर्निंग और लर्निंग बिल्कुल फ्री है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैं ये सभी वीडियोस आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ, ताकि किसी का कोई लॉस ना हो और किसी का टाइम लॉस ना हो, और सबसे बड़ी बात किसी का मनी कोई लॉस ना हो फ्रेंड्स।
और अगर कोई भी वीडियो आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट करें कौन सी वीडियो आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं, या उस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं इंग्लिश में बनाऊं, बिकॉज़ बहुत से ऐसे लोग होंगे शायद उन्हें हिंदी समझ ना आए जो इंग्लिश में समझना चाहते हैं. सो आई विल मेक एनी वीडियो इन इंग्लिश, सो प्लीज़ कमेंट इफ़ यू वॉन्ट एनी वीडियो इन इंग्लिश, आई विल डेफिनेटली मेक फ्रेंड्स. ठीक है फ्रेंड्स, तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं इंग्लिश में वीडियो बनाऊं और आपको समझ आए फ्रेंड्स. आई होप कि उन्हें समझ आया होगा और वो सोच समझ के ही ज्वाइन करेंगे फ्रेंड्स किसी भी MLM, नेटवर्क मार्केटिंग या फिर मैट्रिक्स वर्क को फ्रेंड्स. और अगर नेटवर्क नहीं है तो प्लीज़ ज्वाइन ना करें फ्रेंड्स. ठीक है फ्रेंड्स, और आप लोगों का एक बार फिर से मैं थैंक यू वेरी मच धन्यवाद करना चाहूँगा 50 सब्सक्राइबर्स होने के लिए. प्लीज़ ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहें फ्रेंड्स. जाते जाते मैं एक बार फिर उन सभी लोगों के कमेंट्स दिखा देना चाहता हूँ जो लोग भी मुझे मोटिवेट कर रहे हैं. यहाँ पर सूर्या सिंह हैं, इन्होंने कुछ मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे, कुछ क्वेरीज थी फ्रेंड्स, उसका मैंने आंसर ऑलरेडी उन्हें दे दिया था. उन्होंने लिखा भी है थैंक यू ब्रो, और उन्होंने कमेंट भी लिखा है या ब्रो यू आर रियली हेल्पफुल गाय. तो आप लोगों का मुझे मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स. आप लोगों की वजह से ही ये चैनल है. और मुकेश जी ने एक बार फिर कमेंट किया, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स. आप लोगों की वजह से ही मेरा चैनल है, तो प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, ताकि मैं और भी अच्छी वीडियोस लाता रहूं. और बहुत सारे वीडियोस मैं लाऊंगा फ्रेंड्स, क्रिप्टो ट्रेडिंग पे भी मैं वीडियोस लाऊंगा. ऑलरेडी मैं भी लर्न कर रहा हूं क्रिप्टो ट्रेडिंग, जिससे कि आपको बहुत सारी अर्निंग हो पाए फ्रेंड्स. ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.